मैंने किसी का पर्स उठाया ना, इसलिए भाग रहा हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा ये नया व्लॉग है और आज हम एक नई लोकेशन पे आए हुए हैं। ये हैडा खान जो है गोलापार से अंदर साइड हल्द्वानी में तो हम लोग जा रहे हैं। मंदिर है वो एक तरीके से और टूरिस्ट प्लेस भी है, काफी लोग जाते हैं वहाँ। तो आज हम लोगों ने सोचा कि वहाँ एक छोटा सा पिकनिक भी मनाएंगे, तो हम लोग विद फैमिली आए हुए हैं। सारी फैमिली है पीछे खड़ी हुई। मेरी आवाज थोड़ा इग्नोर मारिएगा, मेरे मुंह को भी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा इग्नोर मारना है, मेरा गला भी खराब हो रखा है, जुकाम हो रखा है। तो हम लोग को, मेरे को थोड़ा बोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं कम बोल रही हूँ। तो व्लॉगिंग कर रहे हैं हम लोग, हमने किसी भी नई लोकेशन पे जाते हैं तो हम व्लॉगिंग जरूर करते हैं ताकि आप सब लोगों को भी दिखा सकें करके। तो इस वजह से अभी हम लोग हेड़ा खान एक जगह है हल्द्वानी में, तो वहाँ खुशबू तो पहले गई हुई है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो व्लॉगिंग के थ्रू आप लोगों को दिखाएंगे लोकेशन कहाँ है और कैसी। तो हम लोग अभी चाय पानी के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे। पापा आगे गए हैं, आ रहे हैं अभी। तो जहाँ सोचा था उनमें से ज़्यादा दूर है, और अभी हम लोगों ने सोचा कि ज़्यादा दूर है तो क्यों ना तरबूज खा लिया जाए। तरबूज पार्टी चल रही है। किचन की जिम्मेदारी मम्मी को सौंप रखी है। बेटा कहाँ जा रहे हो? तुझे का मतलब है? दाल की रहे हो फिर? मैंने किसी का पर्स उठाया ना, इसलिए भाग रहा हूँ। आ हेल्प, माँ हेल्प दे दे बेटा, हेल्प। पर्स चोर का कितने रुपए कमाए आपने? बेटा रोज कितना दौड़ते हो? बेटा रोज कितने पर्स चोरी करते हो? तो हम लोग पहुंच गए हैं हेड़ा खान, जा रहे हैं नीचे को। अभी हम यहाँ से हमें नीचे जाना है। यहाँ पे नदियाँ बहुत हैं, एक नदी यहाँ पर से बहरी के नीचे को जा रही है। और
चार दूसरा मंदिर है, मैं हम वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ से वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को, वहाँ का दिखाएंगे। तो ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये तो इस मंदिर में हम लोग अभी जा रहे हैं और एक ये डॉगी हमें मिला हुआ है जो हमें रास्ता बता रहा है। ये देखो आगे आगे चल रहा है। उतरे बढ़िया गार्डन टाइप उस तरीके का बनाया हुआ है और यहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं बांसुरी बजाने की ट्रेनिंग। वेरी नाइस, ओके देन, थैंक यू। मंदिर से अब हम लोग वापस जा रहे हैं। आई होप कि हमने सारा मंदिर कवर किया हो और आप लोगों ने देखा हो। और हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं और अभी हम लोगों ने एक छोटा सा पिकनिक के लिए सोचा हुआ था, तो मंदिर में तो वो हो नहीं सकता था, तो हम लोगों ने थोड़े अभी बाहर जाके हम लोग वहाँ पर थोड़ा छोटा सा ये घर से सामान भी लेकर आए हुए हैं, तो थोड़ा छोटा सा पिकनिक मनाएंगे फैमिली के साथ, तो वहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं। और वीडियो बन रही है और वीडियो तो आप लोग देख ही रहे होंगे, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ये देखिए मंदिर का एरिया बहुत बड़ा है, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये रूम्स है। अगर आप लोग कभी यहाँ आते हैं और आपको यहाँ रुकने का मन करता है तो यहाँ पर रूम है, ये देखो पूरे बनाए हुए हैं प्रॉपर, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, रहने की है और आप अच्छा लगेगा यहाँ के आप लोगों को। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग जंगल में एक छोटा सा पिकनिक बनाने की सोच रहे थे, तो अभी एक हमें अच्छा सा स्पॉट मिला हुआ है, तो सभी लोग रुक के वहाँ पर मैगी क्या पैकेट लेकर आए थे, तो हम लोग यहाँ पर मैगी बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एरिया तो काफ़ी ज़बरदस्त है, ये देखिए वो आगे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, एरिया ज़बरदस्त है यहाँ पर। और हम लोग रुके हुए भी, देखो छोटा सा स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर और ज़्यादा गर्मी लगेगी तो नहाने के लिए भी बढ़िया है। और बाकी देखते हैं वो लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बकल बारिश हुई थी तो शायद जंगल में लकड़ियाँ गीली हैं और घास वास भी काफ़ी गीले हैं यहाँ पर, पता नहीं आग जलेगी कि नहीं जलेगी, लेकिन खुशबू कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि उसे जला दिया है, जला लिया। अब देखता हूँ मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाता हूँ
एक ही खुशबू, मैगी खुशबू का प्लान था कि हम लोग मैगी बनाएंगे। तो ये मैं पिकनिक स्पॉट आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखो खुशबू को, खुशबू ने फाइनली आग जला ली है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम ये आग छोड़ के जाएंगे, हम सब बुझा के जाएंगे। गुड बेटा, और ये गंदगी वंदगी जितनी भी करेंगे हम सबको जला जुलू के जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही गर्मी का टाइम है और यहाँ जंगलों में आग बड़ी तेजी से लगती है, और इस वजह से हम लोग सारा बुझा के जाएंगे यहाँ पर। ये देखो हमारी आग जल चुकी है, लेकिन तैयारी पूरी नहीं हुई है। ये चाकू भूल गए हैं गाड़ी में, तो पापा लेने के लिए जा रहे हैं चाकू। जैसे तुम जला, फिर बैठ गया खान शाम की तरह। समझती नहीं है यार, वही तो राजा ने ही बिगा रहे पापा को, तो खाली खाली पुड़िया निकालो इनको, ये क्यों खाली कर रहे हो अभी? वही तो मेरे भी सुननी है यार, अम्मा दोनों होशियार है, अब बुझाने का तरीका कर रही है। पक रही है ये, हमें पका रही है, बीरबल की खिचड़ी हो गई जो आग बिल्कुल नहीं जल रही थी। हमने वो बड़ी मुश्किल से अभी आग जल रही है। तुम तो ऐसे हो कर, थोड़ा होने दो बेटा उसको, अभी से मत हिलाओ। हो गया बाबा, ज्यादा वो मत डालो ना, अच्छी खासी आग जल रही थी। मुझे तो लग रहा आप फिर बुझ गई हो। पापा आप लोग साइड में जाके बैठ के नहीं जाते? अच्छा खासा आग जल रही थी, देखो तो फिर धुआं कर दिया आपने। हवा चल रही है, हवा में सब जल रहा हो, टेंशन मत लो। फूंक मारो इधर से, करी हूं। नहीं नहीं नहीं, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, आग जल रही है, जल रही है। इधर से उधर को मारो, पीछे को लग रही है। बढ़िया 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 छोटी, बहुत बढ़िया। हां फूंक मार के लग रही है, पीछे को गर्म हो रहा है ना, इधर से मार। बहुत हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। नहीं हो जाएगा, इतने से बन जाएगा। निकालो फिर यार, ले रही तो अब ये छोटी मारता है लगा पत्थर को।